तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप किसी के फ़ोन की गैलरी ओपन करना चाहते हैं और उसमें लॉक लगा हुआ है, ऐप लॉक या कोई भी ऐप के जरिए उस गैलरी को लॉक किया गया है और आप उसको खोलना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे आपको खोलना है, क्या ट्रिक है, विदाउट एनी ऐप, बिना किसी ऐप के आप गैलरी को कैसे ओपन कर सकते हैं बिना लॉक को तोड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूं, आपको इसका बिल्कुल भी गलत यूज़ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी इससे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होने वाला है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैलरी का लॉक ना तोड़े आप गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी एक ट्रिक है। कैसे आपको एक्सेस करना है, इसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद में आपको अपना सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जिस भी फोन का आपको गैलरी एक्सेस करना है बिना लॉक तोड़े, तो आपको उसका क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। जिस भी फोन का फ्रेंड्स आपको लॉक ओपन करना है गैलरी का, उसका आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है उस मोबाइल का, ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद में सर्च बार में आपको लिखना है फाइल, FILE फाइल, फिर इसके बाद में कॉलन दे देना है। कॉलन दे देने के बाद में SSL आपको लिख देना है और SD कार्ड लिख देना है। इतना लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट या एंटर कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट या एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरे फ़ोन की सारी डायरेक्टरी ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ से आप SD कार्ड का डाटा और फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में जो भी डाटा सेव है सारे को आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैमरे की फ़ोटोज़, व्हाट्सएप का डाटा जो भी है सारा कुछ यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर फोल्डर के नाम दिए हुए हैं, आप जो फोल्डर ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं यहाँ से बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, ये DCIM का फोल्डर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे ये कैमरे के लिए फोल्डर होता है, तो इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं, कोई फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियोस वगैरह सारा कुछ आप यहां से चला करके देख सकते हैं, इमेजेस, इमेज भी देख सकते हैं यहां से, पूरे फोन का एक्सेस यहां से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना लॉक तोड़े फोन की गैलरी का और आप सारे फोन को एक्सेस यहां से कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी, SD कार्ड, गैलरी का डाटा, फोटोज, वीडियोज सारा कुछ यहां से देख सकते हैं, प्लस उन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, कोई भी इमेज पर आप क्लिक कर लीजिए और इधर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर के आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।